नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। तो देखिए क्या है खास खबर आज सीवान। सबसे पहले हम शिक्षक दिवस के रूप में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को तहे दिल से नमस्कार सलाम करते हैं। हम लोग शिक्षक दिवस सिवान हमारे एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में बच्चों के सामाजिक विकास हेतु मनाया जा रहा है। बच्चों में हम बच्चों को उस लेवल से तैयारी करवा रहे हैं ताकि बच्चे अपने समय में आगे का जो फ्यूचर है उससे कैसे अपने आप को ढाल सकें, उसके लिए हम तैयारी करवा रहे हैं। और उसी के लक्ष्य को रखते हुए हमने शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के बारे में सोचा। देखा जाता है कि शिक्षक अगर किताबी ज्ञान की बात करें तो जरूर देते हैं, लेकिन समाज में किस तरह से उन्हें संस्कार दिया जाए ताकि वो समाज में अच्छा मैसेज दे पाए, उसको लेकर किस तरह की तैयारी करते हैं? कहा गया है कि टीचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, शिक्षक समाज का आईना होता है। समाज का आईना मतलब टीचर का मतलब ये होता है कि केवल पढ़ाना ही नहीं, टीचर का मतलब होता है कि ऐसे बच्चों में ज्ञान देना जिससे हमारा समाज सुधरे, जिससे हमारा राष्ट्र सुधरे, जिससे हमारा पूरा देश सुधरे, ताकि हमारे देश का विकास के साथ खुद अपना विकास हो। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को मैसेज यही देना रहेंगे कि अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे से प्लानिंग कीजिए, सही ढंग से सोचिए कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, अच्छे कार्य करना है। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने हम गुरुओं के बारे में, अभिभावक के बारे में बोलना चाहेंगे। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसलों पक्षियों के, और मैं डूबती कश्तियों को ही जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, हम तो इन नन्ही ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। जय हिंद जय भारत। टीचर्स डे हमारे कोचिंग में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। गोलू सर हम लोगों के लिए बहुत अच्छे से हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, खास करके सर हमारे लिए पढ़ाते हैं और सभी बच्चों को अच्छे से समझाते हैं। और टीचर्स डे के दिन सर सभी बच्चों को बुलाते हैं और सभी बच्चों को एक तरफ करके उनसे पूछते हैं। शहर में और भी टीचर हैं, लेकिन क्या उनमें और इन्हीं क्या कुछ अंतर लगता है? सर हम बचपन से यहीं पढ़ते हैं सर, हमको बहुत अच्छे लगते हैं और सर हमको अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, अपना नाम बताओ। मेरा नाम श्रेया है। शिक्षक दिवस के मौके पर हम वैसे इतना ही कहा जाता है सर को थैंक यू बोलेंगे, अपने सर को थैंक यू बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था ये सब सर हम लोग के लिए करते हैं और हम लोग को आज एकत्रित करके और सर पार्टी देते हैं। ठीक है, अपना नाम बताओ। पिंकी हो जा। सबसे पहले मैं अपने गुरु के लिए दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही देव के देव महादेव हैं। वैसे परम गुरु को मेरा सादर नमस्कार है। आज के दिन शिक्षक दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है और हम सभी जानते हैं कि आज का दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी है, तो उन्हीं के अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। एक बार की बात है, उनके सभी दोस्त उनका जन्मदिन मनाने का निश्चय किए थे, तो जब उनसे पूछने गए कि क्या हम आपका जन्मदिन मनाएं, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे जन्मदिन मनाने के बजाय आज से अगर शिक्षक दिवस आज के दिन मनाया जाए तो यह शायद मेरे लिए गर्व की बात होगी। तभी से प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर 1962 से शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं। समाज में देखा था कि जो संबंध होता है कहीं ना कहीं आज समाज में अलग तरह के संबंध देखे जा रहे हैं, कई तरह के सवाल उठे हैं, वैसे में क्या मैसेज देना चाहेंगे छात्र शिक्षक और छात्र?
छात्र के बीच जो संबंध होता है वह बहुत ही निराला होता है, क्योंकि एक बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो सबसे पहले परिवारी से साथ साथ शिक्षा उसकी माँ देती है, लेकिन अगर सही मायने में अगर रास्ता उसको कुछ दिखाना है ताकि वो आगे चल कर अपना फ्यूचर संवार सके तो उसके लिए शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है। समाज में अगर शिक्षक नहीं हो तो शायद इसकी कमी हमें अवश्य महसूस होगी, तो इसलिए शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध बहुत ही निराला है और यह बहुत ही प्रेरणादायक भी होता है कि अगर एक शिक्षक अपने अगर छात्र को बचपन से संवार करके और पूरा एकदम अच्छी तरह से ज्ञान उसको देता है और जब वो बच्चा समाज में विकास करता है, नाम रोशन करता है, तो मैं बड़ा होकर एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। क्या लगता है आप कोचिंग में पढ़ते हैं जो रास्ते दिखाए जा रहे हैं वो आपके जीवन में? बिल्कुल, मैं एक छात्र होने के साथ साथ मैं इस बात की जरूर फिक्र करता हूँ कि क्या मैं सही राह पर हूँ या नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है और मैं जरूर आशा करता हूँ कि मैं एक दिन अपने गुरु का नाम रोशन करूँगा। मेरा नाम आदर्श राज पांडे।